नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो। नमस्कार, मैं हूं अनिल पांडे। HW24 न्यूज़ के नेताजी हाजिर हो कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश में निमाड़ क्षेत्र जो है वो आदिवासी बहुल है। इस क्षेत्र में आदिवासियों की कई समस्याएं आज़ादी के बाद से रही हैं और कई बुनियादी समस्याओं को लेकर आदिवासी समाज जो है आज भी जूझ रहा है। राजनीतिक दल उन समस्याओं के निराकरण की बात तो करते हैं, लेकिन अगर हम उस ग्रामीण क्षेत्र में जाकर उस परिवार की स्थिति देखते हैं तो पता चलता है कि आज भी प्रदेश का, निमाड़ का आदिवासी समाज जो है कई बुनियादी सुविधाओं से महरूम है। इस समय स्टूडियो में हमारे बीच चर्चा के लिए मौजूद हैं जयस के प्रदेश कोषाध्यक्ष और जिला संरक्षक राजेंद्र सिंह जी पवार। राजेंद्र जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। मध्य प्रदेश में एक बड़ी संख्या है आदिवासी समुदाय की। आज़ादी के बाद ये समुदाय कांग्रेस के लिए समर्पित रहा। हम राजनीतिक दृष्टि से अगर देखें तो पूरी तरह समर्पित रहा। उसके बाद शहरी क्षेत्र जो है उनसे जुड़े एरिए जो हैं भाजपा की के साथ जुड़े, लेकिन बावजूद उसके आज हम 75 साल अमृत महोत्सव मना रहे हैं देश का, लेकिन आदिवासी समुदाय आज भी बुनियादी समस्याएं जैसे उसके गांव फालिया तक सड़क नहीं है, उसके वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, उसके खेतों में सिंचाई का जल नहीं है, उसके बच्चों के लिए शिक्षा नहीं है, उसके परिवार के लिए स्वास्थ्य नहीं है, ये समस्या आज भी आखिर क्यों है? क्या आदिवासी समुदाय इसके लिए कोई मांग नहीं करता है? सर्वप्रथम तो HW24 के दर्शकों को जय जोहार, जय आदिवासी। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। देश के आज़ादी के ये 76 साल होने को आ रहे हैं जी। आदिवासी क्षेत्रों में आज भी पानी की समस्या, रोजगार की समस्या यथावत बनी हुई है। निश्चित रूप से आदिवासियों का झुकाव कांग्रेस की तरफ रहा, लेकिन लंबे समय तक कांग्रेस का शासन होने के बाद भी आदिवासियों की दशा में सुधार नहीं होने से धीरे धीरे आदिवासी उनसे छटके, अपनी समस्याओं को समझने लगे और उन्होंने भाजपा को अवसर दिया। लेकिन आज 18 साल का शासन भाजपा का होने को जा रहा है, जिन समस्याओं के समाधान के लिए आदिवासी भाजपा की ओर मुड़े थे वहाँ भी उनका हल उनको होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। और इसी को लेकर जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन बुनियादी मुद्दों को उठाने के लिए गठित किया गया। जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन में पढ़े लिखे युवा हैं जो संवैधानिक दायरे को समझते हैं, जो अपने हक और अधिकार संविधान में दिए गए हैं उनको जानते हैं। और विगत 10 वर्षों से जयस ने हमारे संवैधानिक अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने का काम किया है। हम समझते हैं कि भाजपा कांग्रेस आदिवासी क्षेत्रों के विकास में पूरी तरह विफल रही है। काम हुए हैं, लेकिन जिस तेजी से शहरों का विकास हुआ जी, उसके अनुरूप गांव 10% भी विकसित नहीं हुए। आज भी आप देखेंगे तो हमारे युवा रोजगार के लिए पिकअपों में भर के डेली शहर की ओर, बड़े गांवों की ओर पलायन कर रहे हैं। क्या कारण रहे कि 18 साल के भाजपा के शासनकाल में हमारे क्षेत्र में कोई भी बड़े रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हुए? तो आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, क्या इसकी ओर सबकी जिम्मेदारी नहीं होती है? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आज़ादी के बाद आदिवासी जो समाज है उसने अपने उद्धार को लेकर के, अपनी सुविधाओं को लेकर के उन्होंने कांग्रेस के साथ भी रहे, वो कि यहाँ से उनको कोई सकारात्मक निर्णय मिलेगा, भाजपा के साथ भी जुड़े। और अभी भी
इन दो धड़ों में ज़्यादातर रहे, उसी के बाद ही आवश्यकताएं महसूस हुई कि आदिवासी समाज से जुड़े कुछ संगठन बने, जैसे आदिवासी मुक्ति आंदोलन रहा, आप जैस बना है। लेकिन जैस बना था, जिस तेज़ी से बना था, जैस का एक बहुत विराट स्वरूप भविष्य को देख करके नज़र आ रहा था। लेकिन आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अलावा जी, उसके बाद जैस एक संकुचित होकर सिमट के रह गया। अन्य जिलों में उसकी जो सरगर्मियां दिखना थी या उनका जो भी संगठनात्मक ढांचा दिखना था, वो व्यापक रूप से फैलाव नहीं हो पाया। क्या कारण रहे इसके? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जयस का उद्देश्य, जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन का उद्देश्य सामाजिक विचारधारा है। जयस कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। और जयस के राष्ट्रीय संरक्षक हीरालाल अलावा जी, हाँ जी, संरक्षक जी, उनका उद्देश्य सफल रहा। आज हम पूरे देश के 11 राज्यों में हमारा संगठन काम कर रहा है और सड़क से लेकर संसद तक हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर हीरा लावा जी मनावर से समझौते के तहत विधायक हैं और मध्य प्रदेश के इस 4 साल के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा प्रश्न उठाने वालों में उनका दूसरा नंबर है। और जितने प्रश्न उठाए हैं उसमें 90% प्रश्न आदिवासी समाज के विकास, उन्नति और शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए उठाए हैं। जयस विस्तारित हुआ है, गांव-गांव तक, फले-फले तक जयस का नेटवर्क पहुंचा है। मैं फिर आपको बता देना चाहता हूं कि जयस कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। जयस एक आदिवासियों का सामाजिक संगठन है जिसका उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में युवा नेतृत्व तैयार कर आदिवासी समाज की आवाज़ को सड़क से लेकर संसद तक पहुंचाने का उद्देश्य है। देखिए, आप बोल रहे हैं कि जयस एक सामाजिक संगठन है जो आदिवासियों के जीवन स्तर से जुड़ी जो जो भी चीज़ें हैं उनके सुधार के लिए, उनके विकास के लिए बना हुआ संगठन और उसी को लेकर वो आवाज़ उठाता है। आम आदमी पार्टी भी जब शुरू में आई थी तो उन्होंने यही बोला था कि हम राजनीतिक रूप से राजनीति में नहीं जाएंगे और हम इस प्रदेश में या देश में जो लोगों की सोच है, राजनीतिक दलों की जो भूमिका है, हम उसमें बड़ा बदलाव लाएंगे, वो हम उसको राष्ट्र के लिए बनाएंगे, आम जनता के लिए बनाएंगे। जयस ने भी यही कहा। लेकिन अब हम देख रहे हैं आज की तारीख में जो जयस की चर्चा होती है किसी भी धड़े को लेकर, तो आज आदिवासी समाज से ही कई लोग हैं जो इसको सामाजिक संगठन न मानते हुए ये मान रहे हैं कि आने वाले चुनाव में विधायक पद का टिकट हमको जयस के समर्थन से मिल जाएगा, जयस के टिकट पे मिल जाएगा। तो क्या जयस अपने चुनाव चिन्ह पे उम्मीदवार उतारेगी प्रदेश में? देखिए, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि जयस कोई राजनीतिक दल नहीं है। नहीं, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन ना कोई आज जो चर्चाएँ चल रही हैं उसमें कई लोग हैं जो आदिवासी समाज से जुड़े हुए हैं, जो जयस से जुड़े हैं, वो अपने आप को विधायक बनने की कुंजी मान रहे हैं जयस को। देखिए, ये तो सबका अपना अपना नज़रिया होता है। हमारा उद्देश्य, जैसे मैंने आपको बताया, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक नेतृत्व तैयार करना। हम जो नेतृत्व तैयार कर रहे हैं उसको कहीं से भी अवसर मिलेगा तो विधानसभा तक पहुंचेगा और वहां पर जो है वो हमारे समाज की आवाज़ उठाएगा। अब इसके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जयस का कोई सिंबल नहीं है और ना ही जयस के सिंबल पे कोई चुनाव लड़ा जा सकता है। जयस एक सामाजिक संगठन है और सामाजिक संगठन ही रहेगा। मतलब जयस जो है, जो भी उम्मीदवार खड़े होते हैं आदिवासी समाज से, उनको समर्थन दे सकता है लेकिन सिंबल नहीं देगा। जयस के मुद्दे जो है जी, हम इस पे विचार करेंगे कि हमारे मुद्दों पर कौन खरा उतर रहा है, कौन राजनीतिक दल हमारे मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर रहा है, कौन राजनीतिक दल हमारे अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए काम करना चाहता है या कर रहा है। तो हमारी पूरी कार्यकारिणी बनी हुई है जिले से लेकर प्रदेश तक की, बैठेंगे, विचार करेंगे और जो दल या जो व्यक्ति हमारे मुद्दों के ऊपर काम करेगा उसका समर्थन करने के बारे में विचार करेंगे। खरगोन जिले में जो आदिवासी बहुल जिला है, बड़वानी, आपके बुरहानपुर, खंडवा, ये आदिवासी समाज की संख्या बहुलता में यहाँ पे, और खरगोन जिले में तो जयस का जो स्वरूप है वो गांव-गांव तक फैल गया है और ये देखा भी गया है कि जयस के कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में, मतलब टप्पे मंझोले तक वो कार्यरत हैं।
और कार्य भी हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो आदिवासी समाज से जो जुड़े लोग हैं, आदिवासी समाज के जो लोग हैं, उनके साथ जो अपराध हो रहे हैं, उनके साथ जो घटनाएं हो रही हैं, उन परिवारों का ये कहना है कि हमको पूरी तरह से न्याय नहीं मिल पा रहा है, कहीं हमारी आवाज़ या हमारे साथ जो न्याय है उसको अभी भी कुचला जा रहा है। हाल ही में खरगोन शहर के समीप जेतापुर चौकी के अंतर्गत शराब ठेकेदार के कुछ लोगों ने एक आदिवासी युवक की पीट पीट के हत्या कर दी। आरोप ये था कि ये अवैध शराब बेचने जा रहा था। उस परिवार का कहना है कि ये आशंका में उन लोगों ने पीट पीट के मार डाला और बुरी तरह से, मतलब ये नृशंस हत्या हुई। जैस ने उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई या ऐसा कोई उग्रता या कोई ऐसा मतलब तीव्रता वाला आंदोलन देखा नहीं गया, क्या कारण रहे? नहीं नहीं, आपका जो है आपकी जानकारी में ये नहीं है। जैसे ही हमारे जैस के कार्यकर्ताओं को जानकारी मिली, ये घटना है रेटवा के गांव के दिनेश अमर सिंह के साथ में घटित हुई, दो लोग थे जी। उनके साथ में शराब के ठेकेदार के गुंडों के द्वारा शंका में मारपीट की गई और दिनेश की उसमें मृत्यु हो गई। जैसे ही हमें पता लगा, हमारे कार्यकर्ता उसके गांव जाकर मिले, उनसे संपर्क किया, पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए चार लोगों पर प्रकरण दर्ज किया जो इस प्रदेश के बाहरी लोग हैं। हम उससे संतुष्ट नहीं होकर हम जयस ने मांग की, एसपी साहब को ज्ञापन दिया कि मूल ठेकेदार को इसका आरोपी बनाया जाना चाहिए, क्योंकि तो उसके कर्मचारी हैं और जो मालिक आदेश देगा वो कर्मचारी कार्य करेंगे। उन्होंने दिनेश के साथ मारपीट की, उसकी मृत्यु हो गई, उसके छोटे छोटे पांच बच्चे हैं, उनको लेकर हम जिला प्रशासन से कल यानी 20 तारीख को मिलने के लिए गए, लेकिन खरगोन कलेक्टर महोदय इतने असंवेदनशील होंगे हमें विश्वास नहीं था। वो उन मासूम बच्चों के से मिलने तक को तैयार नहीं हुए और इसी को लेकर हमारा आक्रोश रहा। हमने जो है जो ज्ञापन देना था वो कलेक्ट्रेट की सीढ़ियों पर रखा और वहाँ से प्रस्थान कर गए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर इन 7 दिनों में ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, मृतक परिवार को आर्थिक सहायता नहीं मिलती है, तो 27 तारीख को खरगोन में जयस के सानिध्य में सभी समाज संगठन मिलकर बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं और निश्चित रूप से हम इसको उठाएंगे, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे और हम किसी भी तरह से पीछे नहीं हटेंगे। आपने कहा और ये सही, अगर कोई संस्थान को चलाता है तो उसकी बारीकी से जांच होना चाहिए कि आज जो शराब दुकान संचालित कर रहा है ठेकेदार कौन है, उसके यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए। समाचार आ रहे हैं कि बिहार के लोग थे, बाहर के लोग थे, अन्य प्रदेशों के जो कर्मचारी थे वो लोग काम कर रहे थे। और खरगोन जिले में इस चीज़ को लेकर पहले भी, आज नहीं कई सालों से आवाज़ आती रही है कि इन दुकानों पे जो लोग कार्य कर रहे हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन हो कि आखिर ये कौन है, क्योंकि कई पहले इस प्रकार के लोग भी निकले हैं जिन पर कुछ अपराध रहे और बाद में वो उन दुकानों से गायब दिखे जब ये आसपास हलचल मची। इस घटना में भी यही मांग की जा रही है कि ये जो चार लोग बिहार के या कहीं से हैं, इनका वेरिफिकेशन किया जाए और पता किया जाए कि आखिर ये कौन है। साथ ही ठेकेदार के खिलाफ तत्काल जो आप मांग कर रहे हैं कार्रवाई होना चाहिए। अभी स्थिति ये है कि ठेकेदार की स्पष्टता नहीं हो पा रही है कि ये शराब दुकान का ठेकेदार कौन है। स्थानीय जो राजनेता हैं, जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, वो मृतक के परिवार के पक्ष में अभी तक नहीं उठ पाए हैं। जैसी है जो आपने कहा कि 27 तारीख को हम आंदोलन करेंगे, तो क्या कारण है स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, वो इस मामलों में आदिवासी समुदाय का साथ क्यों नहीं देते? देखो, भाजपा और कांग्रेस के जो लोग हैं वो सदैव आदिवासियों को सिर्फ वोट तक गिनते हैं जी। वोट के पश्चात वो समझते हैं हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है और इसी के कारण जेएस बना है। खरगोन जिले में आदिवासी क्षेत्रों में शराब जो है गांव-गांव तक परोसी जा रही है और आबकारी विभाग बिल्कुल भी कार्रवाई में फिसड्डी है। आप देखेंगे कि खरगोन शहर के मुख्य चौराहों पर शराब बिक रही है, प्रशासन के अधिकारियों को बताते तो चलो आप हमारे साथ में, जिम्मेदारी आम आदमी की है या प्रशासन की है? जैसे कल के आंदोलन में ये बात उठ के आई थी कि साहब
शहर के मध्य शराब बिक रही है, तो आदरणीय SDM ओम नारायण सिंह जी कहते हैं कि चलिए मेरे साथ में, मैं कार्रवाई करता हूँ। तो क्या आम जनता साथ में जाने के लिए है? आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? ये प्रशासन की जिम्मेदारी है अवैध शराब को रोकना। गांव गांव तक जो शराब परोसी जा रही है उसको रोकने की जिम्मेदारी आबकारी विभाग की है। आबकारी विभाग बिल्कुल भी कार्रवाई में फिसड्डी है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ऐसे प्रकरणों में आबकारी विभाग की मिली भगत है। कैसे शराब गाड़ियों में भर भर के टापरे टापरे पहुँचाई जा रही है, गाँव में शराब बिक रही है कच्ची पक्की के नाम पर। अवैध शराब पर कार्रवाई करने की बात आती है तो कच्ची शराब के नाम पर कार्रवाई करते हैं। ये ठेके की ठेका कहाँ का मिला हुआ है? उसका एरिया फिक्स है, उसका ज्यूरिडिक्शन फिक्स है, उसके बाहर अगर बिकती है जी। तो वो अवैध शराब हुई, उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? आबकारी विभाग की है। शासन ने शराब अगर दुकान से बिकती है तो उसके बिल काटने के नियम बनाए हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति को शराब दी गई है उसका बिल दिया जाए। क्या आबकारी विभाग ने आज तक देखा कितने लोगों को बिल जारी किए गए? कई दुकानों पर तो रेट लिस्ट भी नहीं है शराब दुकानों पर। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि शासन के आदेश हैं, जैसे उपभोक्ता को कोई चीज़ देते हैं तो उसका बिल जारी करना अनिवार्य है, तो क्या शराब के बिल जारी हो रहे हैं? आपका विभाग देख रहा है इस चीज़ को? कितनी दुकानों पे कंप्यूटर लगा के बिल जारी कर रहे हैं, किसान ग्राहक को बिल दिया जा रहा है। आप देखिए कहीं कुछ नहीं हो रहा है। सारी मिलीभगत राजनेताओं की और आपका विभाग की है, जो गाँव गाँव की तरफ शराब परोसी जा रही है। इसमें भाजपा कांग्रेस दोनों के नेता शामिल है। हमारा तो ऐसा मानना है कि ये गरीब आदिवासियों को बर्बाद करने के लिए बनाया गया है सिस्टम है, ताकि इनको जो है अपनी आवाज़ नहीं उठा पाए। देखिए आपने जो कहा कि कच्ची शराब ये पकड़ रहे हैं, जिसको हम हाथ गली या ये भाषा में नाम लेते हैं उसका, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीच में ये भी कहा था कि ये जो कच्ची शराब ग्रामीण क्षेत्रों में बनती है इसको हम ब्रांडिंग करेंगे, इसकी ब्रांडिंग करेंगे ताकि उन लोगों को जो महुए से शराब बन रही है उसका उनको एक थोड़ा सा उनकी आय भी हो जाए ग्रामीण क्षेत्रों में, और इस शराब को ब्रांडिंग करके जो इसमें कुछ चीज़ें मिलाई जाती हैं जिस जो जहरीलापन या ये हो जाता है वो चीज़ें नहीं रहेंगी। लेकिन ये जो बात हुई थी एक समय उठी थी, ये ठंडे बस्ते में चली गई। नहीं नहीं पांडे जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हेरिटेज शराब के नाम की नीति बनी है जी हाँ, लेकिन आबकारी विभाग ने उसका जो है जितना प्रचार प्रसार करना चाहिए था बिल्कुल भी नहीं किया है। आप अगर जानकारी लेंगे, मैं वही बता रहा हूँ कि ये ठंडे बस्ते में चली गई। स्व सहायता समूह को इसका काम देने के लिए तय किया गया 1000 लीटर प्रति डेज जी, जो स्व सहायता समूह शराब बना सकता है, और वो स्व सहायता समूह आदिवासियों का ही होना चाहिए, उसकी ब्रांडिंग कोई और कर सकता है। लेकिन आबकारी विभाग ये शराब ठेकेदारों को लाभ पहुँचाने के लिए इस प्रकार की नीतियों का खुलासा नहीं करता है। एक बात और बता देना चाहता हूँ, आदिवासी समाज में शराब के उपयोग के लिए कुछ कायदे कानून बने हुए हैं कि आदिवासी 4.5 लीटर शराब अपने घर में अपने निजी उपयोग के लिए रख सकता है, लेकिन अन्य योजनाओं की भांति इसका कभी प्रचार प्रसार नहीं किया गया। क्या इनके राइट्स हैं? नहीं बताया गया। और ये अवैध शराब शहर में गुंडागर्दी फैला रही, गांव में गुंडागर्दी फैला रही, इसी का नतीजा है कि बाहर के लोग आके स्थानीय लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं। उसका परिणाम हुआ कि आज हमारे दिनेश ने अपनी जान से हाथ धो बैठे और उसके बच्चे दर दर भटकने के लिए मजबूर हो गए। जयस क्यों बनी, जयस के क्या सिद्धांत हैं, वर्तमान में जो आदिवासी समाज की दशा और दिशा है उसको किस हद तक सही करने में जयस काम करेगी, कुछ घटनाएं हैं जो आदिवासी समाज को आहत करती हैं, कुछ समस्याएं हैं जो आदिवासी समाज को आहत करती हैं, उन पर चर्चा के लिए हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं जयस के प्रदेश कोषाध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी पवार। ये चर्चा ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी। ब्रेक के बाद हम राजेंद्र सिंह जी से विधानसभा चुनाव में जयस की भूमिका को लेकर और सवाल करेंगे। साथ ही हम उनसे जो उन्होंने बताया कि शराब नीति या अन्य किसी प्रकार की जो चीज़ें हैं जिनकी जागरूकता एक आदिवासी गरीब आखिर गांव में रहने वाले आदिवासी तक नहीं पहुंची है उसके क्या कारण रहे, इन विषयों पर भी हम चर्चा करेंगे। आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए SW24 न्यूज़ मध्य प्रदेश।
नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो। नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार हम पुनः स्वागत करते हैं। स्टूडियो में इस समय मेरे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं जेएस के जिला संरक्षक और प्रदेश कोषाध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी पंवार। राजेंद्र जी, आपने बताया कि आदिवासी समुदाय के विकास को लेकर, उनकी बुनियादी सुविधाओं को लेकर, समग्र विकास को लेकर जेएस कार्य कर रहा है, और अभी हमने कुछ घटनाओं का उल्लेख भी किया जिसमें आदिवासी समुदाय के साथ, उन परिवारों के साथ जो भी प्रतिक्रियाएं हुई वो उनके पक्ष में नहीं रही, पूरी तरह विपक्ष में जेएस जैसे के आरोप लगा रहा है। शराब की हम बात कर रहे थे, आज ग्राम खरगोन जिले की हम बात करें, निमाड़ क्षेत्र की बात करें, तो ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे कस्बों में अवैध शराब बिक रही है। आबकारी विभाग छापे मार रहा है, क्विंटलों से महुआ लहान जब्त कर रहा है और अपनी वाई वाई करवा रहा है, लेकिन क्या कारण रहे, कौन सी ऐसी चीज़ें रहीं कि आदिवासी समाज को जागृत नहीं किया जा सका, कौन सी ऐसी चीज़ें रहीं कि आदिवासी समाज के कई लोग आज भी ये अवैध शराब निर्माण या इसमें संलिप्त तो पाए जाते हैं, क्या कारण है इसके, क्या आप लोगों ने इसको लेकर के जो जागृति या शासन की जो नीति है उससे अवगत नहीं कराया, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, शासन जिम्मेदार है या समाज के लोग जिम्मेदार? शराब के लिए जितना शासन जिम्मेदार है उतना समाज भी जिम्मेदार है। समाज को जागरूकता फैलाने की आवश्यकता थी जी, कि शराब हमारे लिए कितनी हानिकारक है, लेकिन आदिवासी समाज में रीति रिवाज पूजा पद्धति में शराब का उपयोग होता है और इसका उपयोग होने की वजह से युवा पीढ़ी ने ऐसा मान लिया कि ये शराब आदिवासियों के लिए ही बनी हुई है। कुछ लोग अपने निजी फायदों के लिए कच्ची शराब सीमा से अधिक बनाना चालू कर दिए, उसका व्यवसाय करने लगे और इसका आदिवासी समाज को बड़ा ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। विगत 3-4 महीनों में आप देखेंगे खरगोन जिले में कई घटनाएं ऐसी घटित हुई जो शराब की वजह से परिवार उजड़ गए। समाज के साथ साथ में आबकारी विभाग अपनी वाहवाही लूटने के लिए कच्ची शराब जो बनाते हैं उन पे तो कार्रवाई करता है, लेकिन जो ठेकेदार अपने सराउंडिंग एरिया से बाहर जाके शराब बिकवा रहे हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं करता। ये सीधी मिली भगत आप बता रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से प्रशासन की मिली भगत है, बगैर प्रशासन के पत्ता भी नहीं हिल सकता। कैसे रोड पे शराब बिक रही है? बड़े बड़े फ्रीजर रखे हैं, कूलिंग हो रही है, ढाबों पे मिल जाएगी आपको। शाम के समय जाओ तो ढाबों पे महफिल सजी हुई है शराबियों की, लंबी दूर जाने की आवश्यकता नहीं, पहाड़ी क्षेत्रों में तो बिक रहे हैं। हमारे शहर के आसपास अगर प्रशासन ध्यान दे ले, आबकारी विभाग ध्यान दे ले, तो ये अवैध शराब पर काफ़ी अंकुश लग सकता है, लेकिन राजनेता, आबकारी विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सब आँख मूंद कर बैठे हुए हैं, आम जनता के नुकसान से उनको कोई सरोकार नहीं है। सरकार को राजस्व चाहिए जी, और राजस्व के चक्कर में, राजस्व की प्राप्ति के लिए पूरे आदिवासी समाज नहीं, पूरे जन समुदाय को वो जो है इस शराब के आगोश में धकेल रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने, शराब समाज को, वो किसी भी जाति या धर्म का हो, अगर शराब से जुड़ा है तो वो अपने परिवार को, अपने देश को, समाज को बुरी तरह से गर्त में ही धकेल रहा है। और कुछ ही दिनों पहले बरूड में एक घटना हुई थी जिसमें 70 वर्षीय बुजुर्ग ने अपने शराबी बेटे के सीने में चाकू मार मार के उसकी हत्या कर दी। बात यही थी कि उसकी शराब को लेकर के पूरा परिवार परेशान था, पूरा परिवार बुरी तरह से बर्बादी के गर्त में जा रहा था, लेकिन उसके बाद जो पुलिस की कार्रवाई हुई, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा, पुलिस ने
मृतक का पोस्टमार्टम करा के जो कार्रवाई थी उन्होंने कर दी, लेकिन पुलिस ने अपने टीआई से या अपने उस बीट इंचार्ज से ये सवाल नहीं करे या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी, जबकि बरूड में अवैध शराब बिकने की खबरें हैं। बिल्कुल आपने, तो क्या उसके लिए स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार नहीं था, जिसके होने के बावजूद ये इतना एक मार्मिक, हम इसको एक घटना कहेंगे कि एक 70 साल के पिता ने जो अपने पुत्र को सहारा समझता उसी की हत्या कर दी। पंडित जी, उसके बाद प्रशासन मौन। पंडित जी, आपने जो बात कही है, मैंने पहले भी कहा कि ये जो अवैध शराब है ये किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है, और इसकी बिक्री में निश्चित रूप से आबकारी पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से संलिप्त है। बगैर पुलिस और आबकारी के मिली भगत के अवैध शराब का विक्रय नहीं हो सकता। छोटी सी छोटी घटना पर पुलिस प्रशासन संज्ञान लेता है, लेकिन 100-200 लोगों को रोज जहां शराब पिलाई जाती वो उनकी जानकारी में नहीं हो, मेरा ऐसा मानना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखिए, देश में स्टील, कॉटन, ऑयल और हार्ड ड्रिंक जो शराब है, इसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये हम आज से नहीं कह रहे हैं, ये दशकों से इस देश में चर्चा हो रही है, और इतना मजबूत नेटवर्क है इन लोगों का कि ये वैध और अवैध क्या करते हैं, इसमें प्रशासन के छोटे मोटे अधिकारी घुसपैठ करने से भी डरते हैं। और ये चीज़ें कई बार सामने आई है, क्योंकि इसमें कई राजनेताओं की का इन्वॉल्वेशन है, और ये समय समय पर सामने भी आया है। जयस इसके लिए प्रयास कर रहा, अच्छी बात है। और कई घटनाएं जो आपने बताई, जेतापुर चौकी के अंतर्गत बिकन गांव रेटवा के निवासी को अवैध शराब बेचने की आशंका में मार दिया गया शराब ठेकेदार के लोगों ने, ऐसी घटनाएं अगर प्रशासन नहीं जागरूक हुआ, जेएस नहीं जागरूक हुई, तो ये होती रहेगी। हम अब बात करना चाहेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। विधानसभा चुनाव में जेएस की खरगोन जिले को लेकर जो 6 सीटें कांग्रेस के पास थी, बड़वा सीट जो है वहाँ के विधायक भाजपा के पाले में चले गए, भगवानपुरा में निर्दलीय चुनाव लड़ा था विधायक केदार डाबर ने, जयस की क्या भूमिका होगी इन 6 सीटों पर? जयस के राष्ट्रीय संरक्षक माननीय हीरा अलावा जी ने जी वर्तमान में मध्य प्रदेश की 80 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। जयस के सहयोग से हम स्वतंत्र नेतृत्व देने के लिए प्रयासरत हैं। खरगोन जिले की मैं जहाँ तक बात करूँ, हमारे राष्ट्रीय संरक्षक महोदय के निर्देशानुसार हमारी पूरी तैयारी है, जो भी निर्णय होगा उसमें हम उनके साथ में हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जयस पूर्ण रूप से सामाजिक संगठन है। हम उस राजनीतिक दल या उम्मीदवार का समर्थन करेंगे जो हमारे संवैधानिक मुद्दों को शामिल करने की सहमति व्यक्त करेगा। यानी जो 80 सीटें आपने बताई, प्रदेश में 80 सीटों पर लड़ेगा, तो क्या वो सीटें चिन्हित कर ली गई हैं? दूसरा सवाल मेरा ये है कि कौन कौन से नेता होंगे जो प्रदेश में दौरा करेंगे, और तीसरा सवाल मेरा ये है, क्या जयस अपने सिंबल पे उम्मीदवार उतारेगी या आदिवासी समुदाय के किसी अन्य चुनाव चिन्ह पे लड़ रहे उम्मीदवार को ही, जो आपकी सोच से मिलता होगा, उसका समर्थन करेंगे? देखिए, हम जयस जो है 80 सीटें ऐसी चिन्हित करता है, 47 सीटें तो जो है प्रदेश में ST के लिए आरक्षित है जी, करीब 100 सीटें के आसपास ऐसी सीटें जहां हमारे समुदाय निर्णायक स्थिति में 40,000 से 50,000 तक वोट हमारे हैं और निर्णायक भूमिका में हैं, ऐसी सीटों का हम आकलन करेंगे। समाज के वो अंतिम छोर के समुदाय जिनको राजनीति में हाशिए पर रखा गया है, उनको मिलाकर हम 80 सीटों पर अपने समर्थन से उम्मीदवार उतारने के प्रयास करेंगे। किन किन नेताओं की इस दौरान जिले में
आवाजाही होगी। और खरगोन की 6 विधानसभा सीटों का मैं पूछ रहा था, क्या सभी 6 विधानसभा सीटों पर जयस समर्थित उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे? खरगोन जिला निश्चित ही आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है जी, और यहाँ की प्रत्येक विधानसभा में 2 विधानसभा तो आरक्षित है, बाकी विधानसभाओं में 30 से 50 हज़ार वोट हमारे हैं। और यदि हम स्वतंत्र चुनाव में जाते हैं तो खरगोन जिले की 6 सीटों पर हमारे उम्मीदवार होंगे। राजेंद्र जी, क्या आप भी इन 6 विधानसभा सीटों में से किसी विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ते नजर आएंगे? जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैं संरक्षक हूं और संरक्षक का काम है संगठन को आगे बढ़ाना। नहीं, अगर पार्टी आपको कहती है तो क्या आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? हम ही अगर चुनाव में चले जाएंगे तो हमारे 6 साथियों को मदद करने के लिए भी व्यक्ति चाहिए। पूरी रणनीति तैयार है, जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर, प्रदेश स्तर पर कौन कौन हमारे उम्मीदवार होंगे और कौन हमारे उम्मीदवारों को मदद करने वाले साथी होंगे, कौन हमारे स्टार प्रचारक होंगे, कौन उसको मैनेज करेंगे। दूसरी बात, आपने अभी ये कही कि जो जयस समर्थित होगा, जयस की विचारधारा से मैच खाता होगा, उसको हम समर्थन देंगे, तो क्या इनमें भाजपा और कांग्रेस के भी उम्मीदवार हो सकते हैं जो आदिवासी समुदाय को लेकर के सकारात्मक सोच रखते हैं? क्योंकि कांग्रेस के कई नेता हैं जो जयस के समर्थन पे चुनाव लड़ने के मंसूबे बना रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से हमारे मुद्दों पे ही हम किसी को समर्थन या सिर्फ आप निर्दलियों को ही समर्थन देंगे, ऐसा नहीं है। ये पूरी कार्यकारिणी बनी हुई है, हमारा इलेक्शन फोरम बना हुआ है, वो तय करेगा, बैठ के चर्चा करेगा, जो भी राजनीतिक दल हमारे मुद्दों के लिए सहमत होगा हम उनके साथ जाएंगे। एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आदिवासी समाज को ही लेकर, जैसे हमने चर्चा की कि आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए, उसके बाद भी आदिवासी समुदाय बुनियादी सुविधाएं जैसे शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य, बिजली, इसको लेकर परेशान है। हालांकि गांव में बिजली की समस्या काफ़ी हद तक सुधर गई है, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर आज भी बुरी स्थितियां हैं। गांव की महिलाओं को, जब प्रेग्नेंट महिलाओं को लाते हैं तो वो रास्ते में डिलीवरी हो रही है, उनको पूरी तरह से स्थानीय स्तर पर सुविधाएं नहीं मिल पा रही, उसको लेकर क्या जयस कोई बड़ा आंदोलन छेड़ेगी या आगे क्या रणनीति होगी जयस की? क्योंकि आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अमृत महोत्सव के बाद भी वो तो विष पी रहे हैं ना, जो गाँव में आदिवासी रह रहे हैं, जो छोटे छोटे टप्पे मंझोले में रह रहे हैं, उनको तो आज भी विष पीना रहा, तो ये अमृत महोत्सव का अमृत उनके पास तक कब तक पहुंचेगा? क्या जयस इसमें कोई भूमिका निभाएगी? देखिए, हम तो ऐसा मानते हैं कि अमृत महोत्सव का अमृत जो छलका है वो हमारे आदिवासियों पर तो गिरा ही नहीं जी। आदिवासियों के किसी काम का वो अमृत है ही नहीं। लंबे समय से आदिवासी क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज की मांग हमारे राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर हीरा लावा जी करते आए हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगी। हमारे राष्ट्रीय संरक्षक महोदय ने खरगोन, खंडवा, बड़वानी, धार जैसे आदिवासी क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज की मांग की है, लेकिन दुर्भाग्य कहूँगा कि खरगोन जिले में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत होने के पश्चात भी नहीं बन पाया। राजनीति की बता रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं, प्रयास सेंक्शन जो था उसको निरस्त करा दिया। कांग्रेस के नेताओं की कितनी बड़ी सोच होगी कि महेश्वर में उसको लेके गए, जो इंदौर से पास में पड़ता है उस एरिया में बनाने के लिए उन्होंने स्वीकृति जारी की, जबकि होना यह चाहिए कि खरगोन जिला मुख्यालय पे मेडिकल कॉलेज बने जो आदिवासी बाहुल्य एरिया से लगा हुआ है और स्वयं आदिवासी ब्लॉक है, लेकिन उन्होंने अपनी राजनीतिक खींचातान में उसका स्वीकृति महेश्वर में कराए, महेश्वर विधानसभा में, और सत्ता परिवर्तन के बाद वो भी नहीं बन पाए। आखिर राजनेता अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए जनता के साथ कब तक छलावा करते रहेंगे? जयस इसीलिए मांग करता है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी न भाजपा न कांग्रेस हमको हमारा स्वतंत्र नेतृत्व की आवश्यकता है। होता ये है कि हमारा व्यक्ति विधानसभा में जाता है और वो पार्टी गाइडलाइन पर काम करने लग जाता है, चुन के समाज से जाता है और काम पार्टी गाइडलाइन पे करता है।
हमको ऐसे नेताओं की आवश्यकता है, अगर आदिवासी एरिया से चुन के गए तो आदिवासियों की बात करें, पिछड़ों की बात करें, समाज के अंतिम पड़े में खड़ी पंक्ति में खड़े प्रत्येक व्यक्ति के मुद्दों पे बात करें। पार्टी ने गाइडलाइन बना दी, उस पर ही बात करते हैं। मैं मेडिकल कॉलेज के मामले में दोनों ही दलों को कहना चाहूँगा कि आपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते हमारे क्षेत्र की अनदेखी की है और इसका 2023 के विधानसभा चुनाव में परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। राजेंद्र सिंह जी, सांसद गजेंद्र सिंह पटेल आदिवासी समुदाय से आते हैं, आपने मेडिकल कॉलेज की बात की, केंद्र सरकार की कई नीतियां हैं आदिवासी समुदाय को लेकर, कहां तक सफल रहे वो निमाड़ क्षेत्र में या खरगोन जिले में उन नीतियों को आदिवासी समुदाय तक पहुंचाने में? सांसद जी गजेंद्र जी पटेल जी निश्चित रूप से हमारे आदिवासी समाज से आते हैं, साथ में स्थानीय विधायक जो हैं आदिवासी क्षेत्रों में हमारे ज़िले में, उनके बारे में ही पूछना चाहूँगा। जैसे झूमा सोलंकी हैं, अपने केदार डावर जी हैं, ये विधायकों के भी क्या आदिवासी समुदाय तक उन व्यवस्थाओं को पहुँचाने में कितने सफल रहे? पांडे जी, सांसद जी के बारे में जैसा मैंने बताया कि हमारे आदिवासी समुदाय से है, वो लोकसभा चुनाव में खड़े होने तक आदिवासी हैं, उसके बाद में जो है वो हमारे समाज की बजाय पार्टी गाइडलाइन पर ज़्यादा काम करते हैं। समाज के मुद्दों को अगर पार्टी शामिल करती है तो वो उठाते हैं। ऐसे ही जो हमारे विधायक हैं, आदरणीय झूमा सोलंकी जी, आदरणीय केदार डावर जी, आदिवासी समाज की आरक्षित सीट से चुनाव जीत के जाते हैं, आप जानकारी लेंगे तो पता लगेगा कि इनके निजी सहायक भी हमारे समाज के नहीं हैं। हम कैसे उम्मीद करें कि ये विधानसभा में हमारी आवाज़ को बुलंद करेंगे? बहुत ही अच्छी चर्चा हुई आपके साथ, कई मुद्दों पर हमने चर्चा की, विशेष रूप से आदिवासी समुदाय के विकास और उनके समग्र विकास को लेकर, उनकी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर हमने चर्चा की। और इसमें जो आज के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वो भाजपा के हों या कांग्रेस के हों, निर्दलीय हों, उनकी क्या भूमिका रही, किस हद तक वो आदिवासी समुदाय को बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने में सफल रहे, ये आपने बताया कि उनके जो निजी सचिव हैं वो तक आदिवासी समुदाय के नहीं हैं, ये आपकी सोच होगी, लेकिन अब उन्होंने क्या, किस कैटेगरी का उनने चयन किया, ये जवाब वही दे सकते हैं। फिलहाल आपने बताया कि जो जेतापुर के पास शराब ठेकेदार के लोगों ने एक आदिवासी युवक की अवैध शराब बेचने को लेकर हत्या कर दी, उसके मामले को लेकर जयस चुप नहीं बैठेगा, और 27 तारीख को आपने, अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता शराब ठेकेदार के खिलाफ, तो आपने एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। साथ ही आपने ये भी बताया कि 80 विधानसभा सीटों पर प्रदेश में जयस अपने समर्थन देगा उम्मीदवारों को। जयस के आगे जो रणनीतियां हैं उनको लेकर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। आज आप हमारे स्टूडियो में पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेताजी हाजिर हो कार्यक्रम में राजनीतिक गतिविधियों को लेकर, राजनीतिक हालात को लेकर जनता के जो भी सवाल हैं, हम विभिन्न राजनेताओं तक वो सवाल लेकर जाएंगे और उनके जवाब हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। आज के लिए बस इतना ही, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए HW24 न्यूज मध्य प्रदेश। नेताजी हाजिरो, नेताजी हाजिरो, नेताजी।